हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, MySQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। देखिए, टेबल का जो वैल्यू है उसको डिलीट करने में और टेबल के कॉलम या रो को डिलीट करने में अंतर है, तो आज MySQL में यही सीखेंगे। तो चलिए MySQL ओपन कर लेता हूं। तो ये MySQL ओपन हो जाता है, ये MySQL कर लिया हमने और यहां पे जाकर के अब सबसे पहले पासवर्ड वगैरह एंटर कर लूंगा मैं ताकि हम इन हो जाएं। तो यहां पे ये पासवर्ड एंटर करा हमने, यहां से थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूं ताकि आपको दिखाई क्लियरली पड़े, साफ-साफ नजर आए सही-सही। तो ये जो है साइज भी बढ़ जाएगी। अब यहां पर बहुत सारे डेटाबेसेस पहले से बने हुए हैं, तो हमें करना क्या होगा, कमांड क्या टाइप करना होगा, बहुत बार बता चुका हूं, आसान है। आपको क्या लिखना है, शो डेटाबेसेस, ठीक है ना। तो यहां पे लिखिएगा डेटाबेसेस, तो ध्यान दीजिएगा डेटाबेसेस ही लिखना है। ये देखिए, ये बहुत सारे डेटाबेस आपको डिस्प्ले हो गए। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको करना ये है कि यहां पे डालना होगा, क्या डालना होगा, तो हम किस डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हम कस्टमर टी का यूज करेंगे। तो ऊपर देख सकते हैं ये कस्टमर डी नाम से डेटाबेस जो बना हुआ है इसी का यूज करेंगे हम, तो कस्टमर डी लिख करके टर्मिनेट कर देंगे। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ आ गया है कि डेटाबेस चेंज्ड, यानी डेटाबेस आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, डिटेल देखना चाहते हैं कि इस टेबल में जो वैल्यूज दी गई हैं, पहले तो हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे सेलेक्ट कमांड, तो सेलेक्ट और यहां पे एस्टेक लगा करके फ्रॉम, अब कहां से सेलेक्ट करना है, तो टेबल का यूज जिसका करना है उसी को सेलेक्ट करना है। तो हमारे टेबल का नाम है कस्टमर, ठीक है, और टी यही टेबल का नाम है। तो इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जो जो वैल्यूज डाली गई हैं वो सारी दिखाई देंगी। तो हमें फिलहाल इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कराना, आज का काम डिलीशन का है, डिलीट करेंगे हम, ठीक है ना। तो डिलीट कैसे होगा, तो डिलीट करने का आसान तरीका है, कॉलम को अगर हटाना हो तो कॉलम को भी हटाना बताऊंगा, लेकिन पहले इस वैल्यू को, एक वैल्यू जो माउस दो बार आ गया एक को डिलीट कर देता हूं। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, यहां पे लिखना है अल्टर टेबल, इस तरीके से लिखिएगा अल्टर टेबल और टेबल का नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो टेबल का नाम है कस्टमर टी, यही टेबल का नाम है ना, और एंटर कर दीजिएगा। एंटर करके यहां पे आएंगे, अब यहां पे लिखिएगा ड्रॉप, ठीक है, अगर कॉलम को डिलीट करना है तो ड्रॉप लिखिएगा, ठीक है ना, और यहां लिखिएगा कॉलम, कॉलम का नाम आपको देना है, ठीक है ना। तो यहां पे COLUMN और कॉलम का नाम क्या है, जैसे हमें प्राइस को हटा देना है तो यहां पे लिख देंगे प्राइस, PRICE, बिना किसी डेटा टाइप के आपको लिख देना और यहां पे टर्मिनेट कर देना है। तो यहां देखिए लिखा हुआ आ गया क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड और यहां पे रिकॉर्ड 0 डुप्लीकेट 0 वार्निंग 0, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं डिलीट डिलीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, झूठो नहीं कर देंगे, डिलीट भी होना चाहिए कि नहीं। तो यहां पे देख लिया जाए, तो यहां पे सेलेक्ट फ्रॉम, अब फिर यहां पे वापस से वही कस्टमर टी देना है हमको, तो ये दे दिया कस्टमर और फिर दे दिया टी और यहां से टर्मिनेट कर देंगे। तो देखिए एक फील्ड जो यहां ऊपर दिखाई पड़ी थी प्राइस वो अब डिलीट हो गई है, लेकिन अगर ऐड करवाना होगा तब क्या करेंगे, तब यहां लिखेंगे ऐड कॉलम, इस तरीके से कमांड लिखेंगे। फिलहाल हमको ऐड करवाना नहीं है, अभी हम ये चाहते हैं कि एक वैल्यू को डिलीट किया जाए, वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट किया जाए, कॉलम को पूरा नहीं, पर्टिकुलर वैल्यू को। तो पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे डिलीट कमांड, क्या लिखेंगे डिलीट, DELETE, डिलीट लिख दिया। डिलीट लिखने के बाद यहां लिखिएगा फ्रॉम, कहां से डिलीट करेंगे, कस्टमर टी नाम की टेबल है यहीं से डिलीट करेंगे। कंडीशन क्या है, तो यहां पे कंडीशन देंगे वेयर, ये दे दिया वेयर, और प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए, तो यहां दे दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, क्या दे देते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू, माउस को डिलीट करेंगे MOUSE, माउस को डिलीट करेंगे और यहां पे टर्मिनेशन देकर के एंटर कर देंगे। तो देखिए ना यहां आ गया क्वेरी ओके 2 रोज अफेक्टेड, माने दोनों है, देखिए ये को डुप्लीकेट यहां पे है, IC का डुप्लीकेट एक तो यहां पे है और डुप्लीकेट यहां पे है, तो दोनों ही डिलीट हो गया, जहां भी माउस रहा होगा वो डिलीट हो गया होगा। पता कैसे चलेगा, पता चलाने के लिए यहां लिखेंगे सेलेक्ट और फिर लिखेंगे फ्रॉम, और कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं हम, तो सेलेक्ट करना है कस्टमर टी से, तो ये कस्टमर टी यहां पे दे दीजिएगा, कस्टमर टी दे दिया और यहां पे टर्मिनेट करके एंटर। तो देखिए एक तो माउस डिलीट हो गया कि नहीं हो गया, तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्राइमरी की कैसे बनाया जाए, ठीक है।